हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन की थर्ड एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9C। अब इन क्वेश्चंस की खास बात यह है कि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस लगने वाले हैं जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल है, देखते रहिएगा तो समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला कैसे रखेंगे देखिएगा, लेट करते हैं, लेट जहां जहां x है वहां पर टेन थीटा और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, बोले सर रख देते हैं वैल्यू। देखिएगा कैसे पता चलेगा सर क्या पुट करना है, अगर यहां साइन है तो हमको ऐसा फॉर्मूला यहां बनाना है जिससे साइन बन जाए, क्या बन जाए साइन इनवर्स एज इट इज, यानी का 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोले सर ठीक है, जहां जहां एक्स था वहां पे क्या रख दिया टेन थीटा, वी नो दैट, वी नो दैट, पढ़ चुके हैं भैया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। So, y equals to sine inverse sine 2 theta. Sine से sine cancel. y equals to 2 theta. Theta के place में theta की value 2 tan inverse x. अब differentiation y का होता है dy by dx 2 as it is. Tan inverse का 1 upon 1 plus x square. तो answer हमारा आया dy by dx equals to 2 upon 1 plus x square. ये हमारा हो गया पहला आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूलेस क्लियर होना चाहिए आपके। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेट कर लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इससे क्या हो जाए साइन बन जाए। देखिएगा लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू कॉट थीटा रख लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स x। बोले सर क्या फायदा होगा कॉट से, अरे मुझे समझ में आ रहा है फायदा क्या होगा, देखिएगा आपको भी आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है थीटा रखा है पहले, क्या रखा है थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा, इससे कैंसिल, वाई इक्वल्स टू आया थीटा, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो dy by dx कॉट का होता माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करें बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चलिए साइन इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा x इक्वल टू पुट कर लेते हैं टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू मोस्ट ऑफ टाइम टेन थीटा ही पुट करना है, आ जाएगा उस आंसर ना टेन इनवर्स x। तो देखिएगा आगे कर दे रहा हूं मैं,
देखिएगा आगे की स्टेप पुट कर दे रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के प्लेस पर टेन थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, अरे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। बोले सर पुट कर देते हैं, सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 10 थीटा अपॉन में रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन इनवर्स 10 को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इस एक को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, वाई इक्वल टू आया साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन फिर कैंसिल, तो वाई इक्वल टू थीटा, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 10 थीटा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में यही होगा, और थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स यहां पे 10 थीटा रख देता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है भैया, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, बता चुके हैं पहले फॉर्मूला ये है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लोगे तो फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। बोले सर हमको तो साइन बनाना था, तो देखिएगा बना लेते हैं, कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन, देखिएगा फॉर्मूला है छोटा सा, कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 2 थीटा। अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। बोले सर ठीक है, वाई एज इट इज साइन इनवर्स एज इट इज कॉस की प्लेस पे साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, सो y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा के प्लेस पर थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स x, y का हुआ dy बाय, इसके साथ तो x नहीं है तो 0 माइनस 2, 10 इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर क्या है हमारा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, ये तो और इजी है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप होमवर्क में करके बताएंगे। बोले सर कैसे, देखिएगा सेम क्वेश्चन है फोर्थ वाले ऐसा, आप जहां जहां एक्स से वहां पर क्या बुक करेंगे 10 थीटा, थीटा के प्लेस पर 10 इनवर्स एक्स। देखो जब ये पूरा सब कुछ सेम करना है बस साइन की जगह कॉस लिखना है, साइन की जगह पर कॉस, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस डायरेक्ट कैंसिल, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या आ जाएगा 2 थीटा, तो थीटा की जगह थीटा के वैल्यू 10 इनवर्स एक्स, तो ये माइनस में आया है आपका प्लस में आ जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करोगे तो गारंटेड बनेगा। सेम एज फोर्थ क्वेश्चन, सेम एज फोर्थ क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, सिक्स क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, टू टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है भैया, तो देखिएगा लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर लेते हैं, फॉर्मूले से कट जाएगा कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कर लो सर पुट, वाई इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा, होल रूट है ना, होल रूट है। ठीक, अब हमने दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कॉस के, कॉस थीटा इक्वल टू एक होता है माइनस वाले के लिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और एक और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन। ये मैंने आपको बताया कि माइनस वाले की जगह साइन की टर्म यूज करते हैं, प्लस वाले की जगह कॉस की टर्म में, वाई इक्वल टू ये फॉर्मूला है। टू टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस, फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन में वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन, वन से वन से वन कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन में टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, टू से टू भी कैंसिल। अब आगे का देखिएगा, इधर बता दे रहा हूं मैं, देखिएगा अब तो हो गया सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, बस लास्ट स्टेप पे जाकर डिफरेंशिएशन होता है, मतलब चैप्टर कितने ज्यादा इंटर रिलेटेड है आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिएगा y इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू, टेन से टेन भी कैंसिल, वाई इक्वल्स टू टू थीटा बाय टू, टू से टू भी कैंसिल, वाई इक्वल्स टू थीटा, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू, बट थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह हमारा हो गया क्या आंसर। सिक्स वाले क्वेश्चन का चेक करें एक बार, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देखिएगा, सेवेंथ वाला और इजी है, सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट एक्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस माइनस रूट एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर लेट कर लेते हैं, इसमें भी देखिएगा फॉर्मूला बन जाएगा, पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, लेट
एक्स इक्वल टू हमने मान लिया साइन ए, तो भैया ए इक्वल टू हुआ साइन इनवर्स एक्स, एक्स बोले से ठीक है, और रूट एक्स इक्वल टू मान लिया साइन बी, साइन बी, तो बी इक्वल टू हो गया साइन रूट एक्स, बोले से ठीक है। पुट करता हूं मैं, देखिएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x की प्लेस पे साइन है रूट ऑफ, अच्छा देखिए मैं इसको लिख सकता हूं x को, ये वाले x को रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्यों लिखा सर, अरे फॉर्मूला बनाना भैया, रूट एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया साइन बी, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, क्यों फॉर्मूला नहीं बनेगा, हमको साइन हटाना टारगेट यही है, फिर रूट एक्स उसकी जगह साइन बी, वन माइनस एक्स उसके मतलब साइन स्क्वायर ए, फिर से समझ लो एक्स की प्लेस पे साइन है, वन माइनस रूट एक्स की प्लेस पे साइन बी, साइन स्क्वायर साइन बी, अब देखिएगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल कॉस बी, माइनस साइन बी कॉस ए, ये तो पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन है कॉस में कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस बी कैंसिल, ए की प्लेस पे ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है ना, बी की प्लस में बी की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका भी वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसल, और फिर रूट एक्स का डी वाई बाय डी एक्स करा तो वन बाय टू रूट एक्स, चेक करें आंसर सेवन वाला बिल्कुल सही चाहिए, तो इस रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर एट, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3x, ठीक है भैया लेट कर लेते हैं, फॉर्मूले दिख रहा है तो डायरेक्ट ही लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये वो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 3 थीटा फॉर्मूला है भैया, ये है ना कैंसर, सो वाई इक्वल टू 3 थीटा, 3 थीटा के प्लस में थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 और कॉस का होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3 वन माइनस एक्स स्क्वायर, चेक करें क्वेश्चन नंबर एट बिल्कुल सही। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं,
क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का क्या रहा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कह रहा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, जिस जिसको फॉर्मूले याद हो गलती से। लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इक्वल टू टेन इनवर्स एज इट इज, जहां जहां x है वहां टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा। बोला सर ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं। वी नो दैट बोला हम तो जानते ही नहीं है सर। 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 10 3 थीटा का, पुट कर देते हैं ये फॉर्मूला है। पुट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10 3 थीटा, तो 10 से 10 कैंसल, y इक्वल टू 3 थीटा, थीटा के प्लेस में थीटा की वैल्यू 3 टेन इनवर्स x, तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 अपॉन में 10 का 1 अपॉन 1 प्लस, ये हमारा हो गया आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या कह रहा है सर। वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 10 थीटा और थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अभी तो हमने पढ़ा भैया कि वी नो दैट जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार फॉर्मूले लिखो भैया, तभी लर्न होंगे। ये होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला। बोले सर ठीक है, लगा देते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन टू थीटा, डायरेक्ट लिख देता हूं साइन टू थीटा। हमको तो कॉस चाहिए, तो हमको पता है कि भैया साइन इनवर्स साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं, साइन टू थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, सही है। तो देखिएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, इससे कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू क्या है सर 10 इनवर्स x। y का dy बाय dx, पाई बाय 2 का तो 0 माइनस 2, 10 इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 10, देखें बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2,
देखिए भैया लेट कर लेते हैं, लेट जब भी ऐसा प्लस वन माइनस वन दिख जाए, स्क्वायर ना दिखे, तो कॉस थीटा रखना हमेशा भैया, क्योंकि इसी का फॉर्मूला है, इससे कैंसिल हो जाता है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा अपॉन टू। अब वी नो दैट वाला चीज है, वी नो दैट कॉस थीटा का प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। पुट अप कर देते हैं फॉर्मूला, देखिएगा। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन अपॉन टू। वन से वन कैंसल, टू से टू कैंसल हो जाएगा अगले स्टेप में। कॉस इनवर्स रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू, टू से टू कैंसल, फिर स्क्वायर से रूट भी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, स्क्वायर से रूट कैंसल। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई टू, कॉस से कॉस कैंसल, थीटा बाई टू। थीटा के प्लेस में थीटा की वैल्यू सब क्या है, अच्छा लिखी नहीं है पढ़ना है। थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x अपॉन टू। तो dy बाय डी एक्स माइनस वन बाय टू आगे लिख दिया, कॉस का माइनस होता है, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये आंसर चाहिए, तो वन एक ही बार सिंगल बार करो, ऐसा ये आंसर आ गया भैया हमारा। ये था क्वेश्चन नंबर 11, यहां तक नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए पुट करने वाले क्वेश्चन के लिए आपने तब देख लिया कि फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कौन सा वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको, ताकि आपको क्या है फॉर्मूले लर्न हो रहे, नया नया लगे। ग्यारह क्वेश्चन हो गए हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस वन, 2x स्क्वायर माइनस वन। डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहा है, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इक्वल टू बना कॉस इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। वी नो दैट भैया, वी नो दैट इतनी बार तो पढ़ लिया कि टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉस टू थीटा का क्या है, फॉर्मूला है। रख देते हैं सर, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, टू थीटा के प्लस में थीटा के वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू आई माइनस टू अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इनवर्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इनवर्स, देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको। वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस, सॉरी एक्स माइनस और एक्स प्लस है क्वेश्चन में, एक्स माइनस एक्स इनवर्स को लिखा वन अपॉन एक्स, नीचे भी वही किया हमने, एक्स इनवर्स को लिखा वन अपॉन एक्स।
एलसीएम जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक। देखिएगा y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x इधर चला गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम कैंसल हो गया, एलसीएम क्या हो गया कैंसल। अब क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉज इनवर्स माइनस कॉमन लिया। बोले सर माइनस क्यों कॉमन लिया, पता चलेगा आपको क्यों लिया। वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बनाने के लिए लिया नहीं कॉमन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा देखो मैं लिख देता हूं, कॉस माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा ही होता है, माइनस को फर्क ही नहीं पड़ा, लेट कर लेते हैं। तो पहले तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब लेट करते हैं, देखिएगा लेट जहां जहां एक्स है वहां पर टेन थीटा और थीटा एक वस्तु टेन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू द कॉस टू थीटा, फॉर्मूला है तो पुट कर देते हैं सर फॉर्मूला, वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो वाई इक्वल्स टू टू थीटा, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू टू टेन इनवर्स एक्स। डायरेक्ट कर देता हूं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करें क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है। अच्छा चाहिए तो एक चीज और भी कर सकते हो, ये वाला माइनस आप आगे लगा करके चल सकते हैं, कॉस में माइनस से फर्क नहीं पड़ता, मतलब बुक में अगर आंसर माइनस आ रहा हो फॉर्मूले कॉमन लेने वाला तो लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, मतलब आप ये स्टेप ना करना चाहो ऐसा, यहां क्या लगा लो आप डायरेक्ट माइनस माइनस, तो यहां भी चलेगा माइनस 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 माइनस, बुक का आंसर भी चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू, चलिए उसी साइड से देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कॉज इनवर्स 2x माइनस 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 13। बोले सर ठीक है, अब देखिएगा ट्राई करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू कॉस साइन थीटा पर लेट कर लेते हैं। बोले सर साइन के ऊपर आप कॉस कर लेते हैं या टेन कर लेते हैं, अरे मुझे वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस बनता दिख रहा है ना, मुझे तो इसी चीज बनाना है इससे कॉस बन जाए,
theta equals to sine inverse x. पुट अप कर देता हूं, देखिएगा आप कुछ और भी पुट करेंगे तो भी आंसर बन जाएगा, बस शर्त है आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद हो. साइन थीटा माइनस थ्री रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में रूट ऑफ थर्टी. वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल. तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा अपॉन में रूट थर्टीन. रूट थर्टीन को सेपरेट कर देते हैं, कॉस इनवर्स टू बाय रूट थर्टीन साइन थीटा माइनस थ्री बाय रूट थर्टीन कॉस थीटा. बोले सर ठीक है, ये वाले स्टेप तक तो सब कुछ सही है, पर लेट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं सर? लेट कर लेते हैं. अगेन कॉन्स्टेंट को कुछ भी कॉन्स्टेंट लेट कर सकते हैं. अगेन टू बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री को हमने लेट कर लिया कॉज अल्फा, कॉज अल्फा. और थ्री बाय रूट थ्री चाहिए तो थर्टीन चाहिए तो चेंज करके देख लो, चाहिए तो साइन अल्फा रख लो. क्या रखो सर? साइन अल्फा. चेंज करोगे तब भी आ जाएगा. सो वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, इसकी जगह पे कॉज अल्फा, कॉज अल्फा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा. ये तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया. वाई इक्वल टू कॉज इनवर्स थीटा माइनस अल्फा का, कॉज इनवर्स साइन, इस साइन को लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस थीटा माइनस प्लस अल्फा. लिख देता हूं साइड में, देखिएगा याद रहे आपको. साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा. अब देखिएगा कॉस से कॉस कैंसिल. वाई इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस थीटा प्लस अल्फा, थीटा के प्लेस में थीटा की वैल्यू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस अल्फा. तो डी वाई बाय डी एक्स करा, पाई बाय टू का जीरो, साइन इनवर्स था वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये जीरो. देखे आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का. ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 14, नोट करिए. क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ट्वेंटी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में. हर क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करके करने का प्रयास करो भैया. हर वीडियो में यही बोलते हैं आपको, जब तक आप खुद नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे. देखने में बहुत इजी लगते हैं डिफरेंशिएशन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी हाँ साइन इनवर्स टू टू दी पावर x प्लस वन अपॉन में वन प्लस फोर एक्स. बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा. सबसे पहले इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं. साइन इनवर्स इसको लिख लिया टू इंटू टू टू दी पावर x. अरे टू की पावर वन और x, लिख सकता हूं उसको. पावर बेस से हो तो पावर ऐड हो जाती है,
सिमिलरली इसको भी लिख सकता हूं 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, बोले सर इससे फायदा क्या होगा पता चलेगा। अब लेट कर लेता हूं, लेट करा पहले 2 टू द पावर एक्स, इसको मान लिया अल्फा, क्या मान लिया अल्फा, तो y इज इक्वल टू अ साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। बोले सर ठीक है, अगेन अगेन अब अल्फा की जगह पुट कर लिया टेन थीटा, टेन थीटा तो थीटा इक्वल टू आया टेन इनवर्स अल्फा। बोले सर ठीक है, पुट कर देता हूं मैं, देखिएगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर वी नो दैट, वी नो दैट 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला सर sin 2 थीटा का, पुट अप कर देते हैं, देखिएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स अल्फा, अब अल्फा की प्लेस पे अल्फा की वैल्यू 2 tan इनवर्स 2 टू द पावर x, अल्फा की प्लेस पे अल्फा की वैल्यू। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिएगा dy by dx 2 as it is, tan इनवर्स x का होता 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जो भी tan के साथ में वो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, फिर dy dx और 2x भी करना पड़ेगा 2 की पावर x। बोले सर ठीक है, dy dx 2 as it is 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा 4 टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था 8 टू द पावर एक्स का, 2 टू द पावर एक्स लॉग ई ए मतलब ई टू। बोले सर ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू के बाद उसके मतलब 1 बेस से में पावर एड हो जाएगी 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में 4 एक्स लॉग बेस ई टू, यह हमारा हो गया आंसर। कौन सा क्वेश्चन कहलाया भैया 15। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स। बोले एक सेकेंड, a प्लस एक्स अपॉन वन माइनस ए एक्स। बोले सर ठीक है, लेट कर लेते हैं, a की प्लेस में मान लेते हैं tan अल्फा और x की प्लेस में मान लेते हैं tan बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स a और बीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x। पुट कर देते हैं, देखिएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स a की प्लेस पर tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब हमको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, वी नो दैट फॉर्मूला क्या पता है,
टेन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं, देखिएगा। तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन से टेन कैंसिल। y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स a, बीटा की जगह टेन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर दिया डी वाई बाय डी एक्स, इसके साथ तो x नहीं है मतलब जीरो प्लस इसका वन अपॉन वन प्लस, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यह है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या फंडा है। ठीक है, सारा का सारा फंडा तब क्लियर हो गया आपको कि सबको सब फंडा सिर्फ फॉर्मूले का है। आप पुट भी तभी कर सकते हैं जब आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला चल रहा हो कि भैया ये पुट करने से ये फॉर्मूला बन सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में ए एक्स। ये फॉर्मूला है, ए क्वेश्चन है, लेट करते हैं। ए एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स, पुट कर देता हूं मैं। देखिएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा x की प्लस टेन थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो sec थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। बोले सर ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक को लिखा वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन में साइन अपॉन कॉस। बोले सर ठीक है, एलसीएम लेंगे जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बोले सर एलसीएम का कॉस का गया, एलसीएम का कॉस से कॉस कैंसिल। अब फिर से वी नो दैट हमको फॉर्मूले पता है। बोले सर क्या फॉर्मूला पता है आपको, पुट कर देते देखिएगा। वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और साइन थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। फॉर्मूले है ये, क्यों लगा रहे हैं सर? अरे हमको कैंसिल करना है, टेन को निपटाना भी है। सो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, अरे माइनस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वन माइनस है प्लस का, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, वन से वन कैंसिल। वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन में टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, टू से टू एक्स साइन से एक्स साइन कैंसिल। सर बन रहा है टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू साइन अपॉन कॉस टेन होता, टेन से टेन भी कैंसिल। y इज इक्वल टू थीटा बाय टू, सो थीटा की प्लेस पे थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ए एक्स, वन बाय टू बाहर रहने देते हैं, टेन इनवर्स ए एक्स डी वाई बाय डी एक्स किया
वन बाई टू एज इट इज, टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स, ए एक्स का भी करना पड़ेगा, ए एक्स का ए वन अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए एक्स का ए। चेक करें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करें, वीडियो आपके पास इसलिए अवेलेबल रहती है हमेशा ताकि क्या है कोई सी स्टेप में आप अटक जाए तो वापस से देख लें, एक एक क्वेश्चन इसीलिए बोर्ड पर करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, बोले सर ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते पुट करने के बजाय, वी नो दैट साइन एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, और कॉस एक्स का फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, पुट अप कर देता हूं देखिएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन में वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट, क्या स्टेप बन गई सर, y इक्वल टू टेन इनवर्स टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल, टू से टू भी कैंसिल, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स बाय टू, टेन से टेन कैंसिल, डायरेक्ट स्टेप डी वाई बाय डी एक्स, एक्स का वन तो वन बाय टू, चेक करें आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखेगा, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन में वन प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन में वन माइनस साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू, अब देखिएगा यहां थोड़ी सी लॉजिक यूज करेंगे अपन, देखो ट्रिकी टाइप का, y प्लस टू टेन इनवर्स वन को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले सर फोर को लिखा टू लिखा था, यह हाफ एंगल का फॉर्मूला साइन टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, अरे भैया देखो इधर एक का आधा तो आधे का और आधा ऑलरेडी आधा ना, एक्स बाय फोर एक्स बाय टू का एक्स बाय फोर, सिमिलरली नीचे भी करा सेम स्टेप लिख दी बस माइनस लगा दियो, साइन स्क्वायर एक्स बाय फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय फोर माइनस टू साइन एक्स बाय फोर, बोले सर क्यों कर रहे हैं, अरे टेन हटाना है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टेन इनवर्स ये फॉर्मूला बना साइन ए प्लस कॉस
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, नीचे बना ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर का बना, बड़े सा ठीक है। क्या कर लेते हैं, माइनस कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस क्या लेते हैं कॉमन, होल स्क्वायर फॉर्मूला बना। अच्छा रूट है भैया क्वेश्चन के, क्वेश्चन पे क्या है रूट, तो स्क्वायर से रूट तो क्या हो गया कैंसिल, कॉस एक्स बाय फोर कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉस एक्स बाय फोर कॉमन ले लिया, क्या बना देखिएगा, साइन के अपॉन में कॉस आ गया टेन एक्स बाय फोर प्लस वन, अपॉन में भी टेन एक्स बाय फोर माइनस वन, इससे कैंसिल, बोलो सर ठीक है। अब देखिएगा कुछ स्टेप जो माना कि शायद आपने पढ़ी हो इलेवंथ में भी, टेन देखिएगा ऐसा समझते हैं, वन प्लस टेन थीटा और वन माइनस टेन थीटा, ये फॉर्मूला है टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा का, पाई बाय फोर प्लस थीटा का फॉर्मूला है, बोले सर ठीक है यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन माइनस दिक्कत है, माइनस दिक्कत नहीं देगा ना सर। देखिए यहां थीटा तो यहां थीटा, यहां एक्स बाय फोर तो यहां भी एक्स बाय फोर, बोले सर इससे क्या फायदा होगा पता चलेगा आपको, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा जगह कौन है एक्स बाय फोर, टेन से टेन कैंसिल, y इक्वल टू एक्स बाय फोर सॉरी पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय फोर, डिफरेंशिएशन किया पाई बाय फोर का जीरो एक्स बाय फोर का वन, वन बाय फोर, चेक करें क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर वन बाय। अब क्वेश्चन नंबर 20 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कॉस कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे से स्टेप करके नहीं बता रहा हूं, कॉस कॉमन लिया तो यहां बना वन प्लस टेन, अभी पिछले क्वेश्चन में जो स्टेप करी वही स्टेप है और यहां वन माइनस टेन, अभी मैंने आपको बताया वी नो दैट कि भैया वन प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स का फॉर्मूला है, ये तो चेक कर लेना है फॉर्मूला यहां लगा के, टेन इनवर्स टेन फाइव बाय फोर प्लस एक्स, टेन से टेन कैंसिल प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन किया वाई का डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एक्स का वन, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन, ये हमारी फिनिश हुई 19C एक्सरसाइज, नोट कर लीजिए।